कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे आने वाले एग्जाम्स के लिए, क्योंकि बहुत सी नोटिफिकेशन अभी आई हैं। लाइक LIC AO की जो पोस्ट आई है, अभी LIC ADO की पोस्ट आई है, तो आने वाले टाइम में जो और भी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगी। तो जैसा कि मैं आपके सामने लेके आऊँ कि IBPS PO जिसका जो अभी इंटरव्यू शेड्यूल होने वाला है फरवरी में, उसकी में अगर आप ज्वाइन करते हैं, आपको अलॉट होता है कोई भी बैंक, तो आपको न्यू ज्वाइनी के तौर पर आपको कितनी सैलरी मिलता है, तो उसकी मैं डिटेल वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। इसमें आपको मैं अलाउंसेस भी और पर्क्स भी आपको बताऊंगा लास्ट में कि क्या पर्क्स मिलते हैं और कितना टोटल CTC आपको मिलता है एज ए बैंक PO। और ये जो सैलरी स्लिप है, ये बैंक ऑफ इंडिया में एक कैंडिडेट्स लगा है ऑफिसर, तो उसमें लेटेस्ट सैलरी स्लिप है जुलाई मंथ की, वो आपके सामने लेके आया हूँ। तो सबसे पहले क्या है, इसमें जो बेसिक पे क्या रहता है एक बैंक PO का, तो हम देखते हैं। इसमें जो बेसिक पे रहता है आपका 36,000 rupees आपका बेसिक पे इसमें रहता है एज ए बैंक PO। एंड DNS अलाउंस कितना मिलता है आपको, इसमें 11,894 rupees आपको DNS अलाउंस मिलता है। लर्निंग अलाउंस जो रहता है आपका 600 rupees यहाँ पे रहता है, और DA ऑन लर्निंग अलाउंस आपको 198 यहाँ पे मिलता है, और लोकेशन अलाउंस भी आपको मिलता है 700 rupees। स्पेशल अलाउंस यहाँ पे मिलता है आपको 5,904 rupees, एंड DA ऑन स्पेशल अलाउंस यहाँ पे मिलता है 1,950 rupees। तो अगर हम इन टोटल जो आपके सामने मैंने बताया इनको टोटल करते हैं, तो आपका जो ग्रोस सैलरी वो निकल के आता है कितना, जो ग्रोस सैलरी अर्निंग आपको मिलता है एज ए बैंक PO आपको 57,247 rupees। ये आपको एक न्यू ज्वाइनी का आपको बता रहा हूँ जो लेटेस्ट अभी ज्वाइन किया है। इसके बाद जो डिडक्शंस हैं हम उनको देखेंगे। डिडक्शंस इसमें से कम करने के बाद जो नेट सैलरी रहता है वो आपके बैंक में आपको क्रेडिट मिलता है। तो आपको ये ओनली ग्रोस अर्निंग आपको बता रहा हूँ, इसके अलावा बहुत से अलाउंसेस भी मिलते हैं जिसमें आपको बहुत से बेनिफिट्स होते हैं, और सैलरी ये सैलरी आपको कम लग रही होगी लेकिन जो अलाउंसेस मिलते हैं वो भी बहुत अच्छे मिलते हैं, तो वो भी एज ए सैलरी ही माना जाता है। तो हम देखते हैं डिडक्शंस इसमें क्या क्या हैं। इसमें डिडक्शंस जो रहती है, फर्स्ट डिडक्शन है यहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स की 200 rupees यहाँ पे डिडक्ट किया गया है। इनकम टैक्स का जो डिडक्शंस है 3,230 rupees। रेंट रिकवरी है 180 rupees। DCPS के नाम से कुछ डिडक्शंस हैं 4,789 rupees। फेडरेशन ऑफ ऑफिसर NGP 3,180, इसकी जो डिडक्शन है 250 rupees। और इसकी अगर टोटल डिडक्शंस हम देखें तो इसका टोटल डिडक्शंस बन जाती हैं 8,649 rupees। तो हम अगर डिडक्शंस को ग्रोस अर्निंग्स में माइनस करते हैं तो हमारी जो नेट पेएबल अमाउंट है जो आपके बैंक में क्रेडिट होती है वो निकल के आएगी। तो हमारी जो नेट सैलरी क्रेडिटेड है जो आपके बैंक में क्रेडिट होगी वो कितनी है, 48,597 rupees आपके बैंक अकाउंट में आपके क्रेडिट होगी एज ए बैंक PO आपको मिलता है जो। बट ये सैलरी के अलावा आपको बहुत से अलाउंसेस मिलते हैं, मंथली अलाउंसेस, क्वार्टरली अलाउंसेस एंड ईयरली अलाउंसेस, जो कि आपको आपकी सैलरी में मेन हिस्सा होते हैं, ठीक है। और इसमें जो आपको बता दूं, एक लीज एकोमोडेशन आपको मिलता है। लीज एकोमोडेशन में क्या रहता है, आप अपना घर वहाँ पे ले सकते हैं किराए पे, उसका जो लीज का एकोमोडेशन जो जो भी चार्जेस रहते हैं वो बैंक पे करता है। इन बड़ी सिटीज़ में लाइक सिटी ए में जो रहता है वो 13,000 आपको लीज एकोमोडेशन आपको दिया जाता है, बट वो वेरी करता है एज ए टाइप ऑफ सिटी। बड़ी सिटी में, मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं तो आपको ज़्यादा मिलेगा ऑब्वियसली, वहाँ पे खर्चे ज़्यादा रहते हैं, रेट्स ज़्यादा रहते हैं एज ए रेंट। ओके, हम मंथली एक्सपेंसेस, मंथली अलाउंसेस में देखें तो यहाँ पे फर्स्ट में आता है पेट्रोल का। पेट्रोल में आपको 40 लीटर यहाँ पे पेट्रोल मिलता है, जो कि अगर आपका व्हीकल आपके नाम पे है तभी आपको पेट्रोल का 40 लीटर मिलेगा, वरना आपको कन्वेंस अलाउंस यहाँ पे मिलता है वो कितना मिलता है, 1,000 पर मंथ आपको मिलता है। और अगर हम अगर आपका व्हीकल आपके नाम पे है तो आपको पेट्रोल के 40 लीटर मिलेंगे, जो कि अप्रोक्स आपको 4,400 आपके बनते हैं पर मंथली आपको मिलते हैं। क्लीनिंग अलाउंस यहाँ पे मिलता है 300 rupees का। लंच एक्सपेंस आपको है 350 rupees का। एंड मोबाइल रिचार्ज भी आपको मिलता है 200 rupees का। अगर हम टोटल मंथली अलाउंसेस यहाँ पे देखें तो ये बनते हैं 5,250 rupees। और क्वार्टरली अलाउंस आपको और भी मिलते हैं। क्वार्टरली अलाउंस में क्या रहता है, आपको न्यूज़पेपर अलाउंस यहाँ पे मिलता है, जिसमें क्या रहता है आपको एक 80% दे दी गई है, 80% ऑफ द कॉस्ट ऑफ एनी टू न्यूज़पेपर आपको मिलता है, ये जो कि अप्रोक्स आपको 1,500 के आसपास आपको पड़ जाता है। तो इसका जो क्वार्टरली अलाउंस में न्यूज़पेपर अलाउंस आपको मिलता है। और ईयरली अलाउंस में हम देखें तो आपको सबसे मेजर जो मिलता है वो है मेडिकल अलाउंस, जो कि आपको 10,300 rupees आपको मिलता है। 10,300 rupees आपको मेडिकल अलाउंस यहाँ पे एज ए बैंक PO आपको मिलता है। और यहाँ पे बिजनेस डेवलपमेंट अलाउंस भी रहता है, तो 3,000 rupees आपको बिजनेस डेवलपमेंट अलाउंस भी आपको मिलता है।
उसके अलावा आपको फर्नीचर अलाउंस भी मिलता है जिसमें अच्छी खासी अमाउंट आपको मिलती है, जिसमें मैं आपको बता दूं ये वंस इन ए 10 ईयर्स आपको मिलता है, 10 साल के बाद आपको एक बार आपको फर्नीचर अलाउंस मिलता है। कितना मिलता है? 1.5 लाख रुपीज़ आपको मिलता है, 1.5 लाख रुपये आपको वंस इन 10 ईयर्स आपको मिलता है। और ब्रीफ केस अलाउंस ऑल्सो आपको मिलता है इसमें, जो कि रहता है 1500 रुपीज़ एवरी इन फाइव ईयर्स। आपको 5 साल में एक बार आपको ब्रीफ केस अलाउंस यहाँ पे मिलता है 1500 रुपीज़। अगर हम टोटल देखें इन चीज़ों का, अगर हम मिलाते हैं सभी चीज़ें अलाउंसेस एंड सैलरी को हम अप्रोक्स देखते हैं, तो आपका जो टोटल सीटीसी निकल के आता है आपका एक साल का, तो वो 9 लाख के अप्रोक्स आपको रहता है सब चीज़ों को मिलाने के बाद। जो भी अलाउंसेस और पर्क्स आपको मिलते हैं उनको देखते हुए आपका जो सीटीसी बनेगा वो 9 लाख के अप्रोक्स आपको मिलेगा एज ए बैंक पीओ। तो अच्छी जॉब है, और इसका जो जिन कैंडिडेट्स का मेंस का एग्ज़ाम भी निकल गया है तो वो अपना जो इंटरव्यू का अच्छे से तैयारी रखें। आपका जो इंटरव्यू फरवरी में शेड्यूल है, और भी एक्सपेक्टिंग है कि आपका फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में आपका जो इंटरव्यू है वो ले लिया जाएगा। तो तैयारी कीजिए, ऑल द बेस्ट, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।